हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं प्रशांत। आज मैं आपको बताऊंगा इस सोलर प्लेट से। देख सकते हैं दोस्तों, यह सोलर प्लेट है, 75 वाट का सोलर प्लेट है। और इससे मैं आपको ये मिक्सर जो है, मिक्सर ग्राइंडर, इसे चालू करके दिखाने वाला हूं। और साथ साथ ये देख सकते हैं, यह इंडक्शन कुकर है बजाज कंपनी का, इसे भी दोस्तों मैं आपको चालू करके दिखाने वाला हूँ। और हम देखेंगे कि यह दोनों जो है तो वर्क करते हैं कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ साथ लाइक और शेयर जरूर किया करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देख सकते हैं ये जो सोलर प्लेट है, इसमें दोस्तों किसी प्रकार का कोई वायर मैंने छुपा के नहीं रखा हुआ, जिससे आपको ऐसा लगे कि मैंने दोस्तों इसे इलेक्ट्रिक करंट दे के और चालू कर रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, यह सोलर का कनेक्शन है प्लस माइनस का। और दोस्तों यह वायर देख सकते हैं, दोस्तों यह वायर ये देखिएगा। और इसमें दोस्तों किसी प्रकार का फेंक वीडियो नहीं है, आपको जो भी है दोस्तों आप सामने देख सकते हैं। यह 75 वाट का सोलर पैनल है और यह इंडक्शन कुकटॉप है, इंडक्शन कुकर बजाज कंपनी का। और दोस्तों देख सकते हैं, यह मिक्सर ग्राइंडर है। और यह जो पैनल का वायर है, तो दोस्तों देख सकते हैं ये पैनल से जो अभी आपको मैंने दिखाया है, पैनल का वायर है। और अब मैं दोस्तों इसे इसमें टच करके दिखाऊंगा। और साथ साथ दोस्तों हम देखेंगे इस मिक्सर ग्राइंडर में कुछ यदि चालू होता है तो दोस्तों यह कुछ पीसने के काम में आता है कि नहीं। तो दोस्तों चलिए सबसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इंडक्शन कुकर से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इंडक्शन चालू करूँगा, ये देख सकते हैं। और हमारा ये जो वायर है, ये सोलर जो कि सोलर प्लेट से आया हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हम कोई भी प्लस माइनस का वायर इसमें दोस्तों जोड़ देंगे। ये तीन पॉइंट देख सकते हैं, ये आपका इससे दोस्तों हमें कोई मतलब नहीं, ये आपका घरेलू जो न्यूट्रल अर्थ होता है उसके लिए होता है। और सबसे पहले दोस्तों मैं इसे लगा देता हूँ इसमें। और दूसरा पॉइंट जो है तो हम लगा देंगे इसमें। दोस्तों देख सकते हैं आप कि हमारा इंडक्शन जो है चालू हो चुका है। दोस्तों देख सकते हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये इंडक्शन जो है पावर इसमें आ चुका है। और अब ये दोस्तों ऑन ऑफ वाला बटन जो स्टैंड बाय का, इसे मैं चालू करूंगा। तो दोस्तों अब कोई प्लेट जो है तो हम इसे रख के देखते हैं कि ये गर्म, मतलब गर्म कर पाता है कि नहीं। और देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा वर्क कर रहा है, इसका फैन भी जो है तो चालू है। तो मैं आपको ऑन ऑफ करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑफ हो गया और ये फिर से ऑन हो गया। तो दोस्तों हम देखेंगे गर्म हुआ कि नहीं। तो दोस्तों इससे जो है इसमें पावर जरूर जा रहा है, लेकिन यह क्या है कि बहुत ज़्यादा वाट का होता है। जैसे दोस्तों यह हमारा 1400 वाट का है, तो हमारा दोस्तों यह गर्म नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जो पर्याप्त वोल्टेज है तो हमें यह सोलर पैनल से नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों यह सोलर पैनल जो है डीसी करंट आउट करता है। और अब दोस्तों इसे मैं अलग करता हूँ, ये हमारा चालू तो जरूर हो जाता है लेकिन यह दोस्तों हमारा कोई बर्तन वगैरह गर्म नहीं कर पाता है। और इसके बाद ये जो मिक्सर है दोस्तों, चालू करके देखेंगे कि मिक्सर हमारा चालू होता है कि नहीं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमें इस प्रकार से इसे इसमें लगा देना है। और इसमें दोस्तों पावर जो देखेंगे तो पावर दोस्तों आ चुका है। और आप देखिएगा, ये देखिएगा हमारा जो मिक्सर है दोस्तों चालू हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, नज़दीक से भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए हमारा जो मिक्सर है चालू हो चुका है। और अब हम दोस्तों इसमें जो है यह जार लगा के देखेंगे कि यह कुछ पीसने के लायक है कि नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों इसे मैं बंद कर लेता हूँ। और अब इसमें जो है तो देख सकते हैं दोस्तों, यह टमाटर है, मैंने टमाटर इसमें कटा हुआ है, काट के रखा हुआ है, उसे दोस्तों मैं इसमें डाल देता हूँ। और अब इसे मैं जो है तो चालू करके देखूंगा कि हमारा पीस पाता है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसा कि ये हमारा जो है तो चालू तो जरूर हो जाएगा, लेकिन यह इतना लोड नहीं ले पाता कि हमारा ये
चटनी दोस्तों इस टमाटर का बना दे। दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये चालू तो हो जाता है, लेकिन यह किसी काम का नहीं हो सकता दोस्तों। यदि जो सोलर प्लेट है तो ज़्यादा वाट का हम यूज करें और वोल्टेज दोस्तों इसका सीरीज में बढ़ाते जाएं तो हो सकता है दोस्तों हमारा ये वर्क कर सकता है। अब फिर से दोस्तों आपको चालू करके दिखाता हूँ। तो बिना लोड दिए दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा चल रहा है दोस्तों, केवल चालू है लेकिन ये हमारा कुछ भी पीसने के योग्य नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा ये डायरेक्ट सोलर पैनल से मेरा 75 वाट का सोलर प्लेट है। ये मिक्सर जो है चालू हो जाता है, इंडक्शन भी चालू हो जाता है, लेकिन दोस्तों इससे हम कोई वर्क नहीं कर सकते। तो दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट था कि हमारा डायरेक्ट सोलर प्लेट से ये मिक्सर ग्राइंडर और इंडक्शन चलता है कि नहीं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।